ये रोटरी फ्लोर जो है ये भी फोर एक्सिस का है, और इसके अंदर जो फोर्थ एक्सिस होगा वो हमारा जेड के अबाउट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है हमारा मिल रोटरी, और मिल रोटरी के अंदर है ये रहा रोटरी फ्लोर। तो रोटरी फ्लोर रोटरी है हमारा, तो एक्स और वाई में जो टेबल होगी वो रोटेट करेगी, तो जो भी एक्सिस आपका वर्टिकल होगा वो हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा, है ना। तो और उसी के अबाउट ही हमारा फोर्थ एक्सिस फिर बैठेगा भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ज्योमेट्री हमारी कुछ ऐसी है ये, और इसके लिए हम इसे डिलीट किया, यहाँ पे एक नया वर्क पीस और नई ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, जैसा उसमें किया था सेम ऐसे ही ज्योमेट्री यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके नीचे चेक चाहिए तो वो चेक आप बना लेंगे जैसा पहले बनाया था। तो अब इसको लेते हैं एक वर्क पीस से, तो क्रिएट करते हैं न्यू वर्क पीस, वर्क पीस टू, और ये होगा हमारा एम सी एस मिल के अंदर। तो ये हो गया हमारा पार्ट, और जो ब्लैंक है उसको मैं ले लेता हूँ बाउंडिंग सिलेंडर। ओके, तो कुछ ऐसा ही जाएगा क्योंकि इधर से थोड़ा सा ही एम्बॉस हुआ हुआ है। ओके ओके, अब इसके अंदर अपने आप ही हमें रोटरी ज्योमेट्री जो है वो मिल जाएगी, लेकिन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, और उसको डिफाइन करने से पहले मैं लेता हूँ यहाँ से एक टूल, और टूल यहाँ पे ले रखा है एक ये और एक ये, चलिए एक टूल मैं खुद से डिफाइन भी कर लेता हूँ। तो टूल हम ले लेते हैं एक न्यू टूल, और मिल रोटरी में वैसे दो दिखा रहा है ये, तो मिल रोटरी मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए एक बड़ा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, मिल रोटरी सिर्फ आपको स्फेरिकल या बॉल मिल इन दोनों ही टूल को सपोर्ट करता है, तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए तभी काम चलेगा। लेकिन अभी मैं करूँगा मल्टी एक्सिस का, तो मल्टी एक्सिस के लिए मैंने एक टूल ले लिया, और टूल को हम कर देते हैं 8, और नीचे का रेडियस 1 कर देते हैं, तो ये हमारा बुल नोस एक टूल हो गया। अब इस वाले टूल को राइट क्लिक, इंसर्ट ऑपरेशन, और ऑपरेशन लेते हैं ये वेरिएबल कंटूर। वेरिएबल कंटूर मैंने आपको बताया था, है ना सर, तो वही वाला ही है। इसके अंदर टूल हमने ले लिया, ज्योमेट्री हमारी कौन सी है, वर्क पीस टू, तो वर्क पीस टू लेते हैं। अभी रोटरी मिल का ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रोटरी ज्योमेट्री नहीं सेलेक्ट करी है, और यहाँ से मैंने इसे लिया रफ। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो कौन सा एरिया हमें कट करना है, ये वेरिएबल कंटूर के लिए हमेशा सेम ही रहेगा, कभी भी आप यूज़ करेंगे। जो कट एरिया है क्या कटिंग करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये भी कटिंग हो ऐड, और अंदर वाला फेस ये भी कटिंग होना चाहिए, ये कटिंग होना चाहिए। इसको नहीं लिया है तो ये स्किप कर जाएगा, इसे नहीं काटेगा, इसको स्किप करेगा, ठीक है, ओके करा। अच्छा और फिर यहाँ पे मेथड कौन सा, सरफेस वाला मेथड यूज करेंगे, सरफेस एरिया, और यहाँ से सिलेक्ट करिए सरफेस। ये सरफेस ड्राइव है जो कि हमें रेफरेंस देगा, ये रेफरेंस के लिए सिलेक्ट करें ज्योमेट्री, ये कटिंग वाली ज्योमेट्री नहीं है, ये रेफरेंस वाली है, तो रेफरेंस वाली ज्योमेट्री ये हो गई जो कि हमारी ड्राइव ज्योमेट्री है। अब ये ड्राइव ज्योमेट्री इसके लिए भी सेम ही रहेगी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो नहीं लेगा ये वार्निंग देगा, क्यों, क्योंकि ड्राइव ज्योमेट्री दो नहीं हो सकती, एक ही होगी, तो एक ही ज्योमेट्री मैंने सिलेक्ट करी है। और डायरेक्शन के अलावा यहाँ से क्लिक करके ये हमारी डायरेक्शन हो गई, तो इस रेडियस के अबाउट घूमेगा। 10 अभी के लिए 10 लिए हैं, आप इसे इंक्रीज कर देंगे अभी बाद में, तो ओके करते हैं पहले। और प्रोजेक्शन वेक्टर नॉर्मल टू ड्राइव, टूल का प्रोजेक्शन ड्राइव के नॉर्मल, बाहर वाली सरफेस है इसके नॉर्मल रहेगा, और टूल जो टूल का एक्सेस है वो नॉर्मल टू पार्ट, जो मेरा पार्ट है उस पार्ट के नॉर्मल, मीन्स सरफेस पे हमेशा वर्टिकल रहेगा, अभी आपको दिखाई देगा। और मैं इसे एक बार कर देता हूँ जनरेट, ठीक है सर। अब हुआ क्या है, इसकी अंदर भी कटिंग करता हुआ गया है ये, क्योंकि मैंने इसे सेलेक्ट किया था कटिंग के लिए, और टूल नॉर्मल क्या था ये देखिए, टूल हमारा नॉर्मल है, प्ले करेंगे जरा, जिगजैग मेथड होगा इसलिए जिगजैग चल रहा है, इस वाले को सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए इसको स्किप कर गया। चाहे तो इसको भी ऐड कर सकते हैं,
और ओके। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और ये जो 10 है 10 से काम नहीं चल रहा, 35 ये जिग है, आप यहाँ से हेलिकल भी ले सकते हैं, जिग विद लिफ्ट, जिग जैक विद लिफ्ट या जिग जैक ले सकते हैं, जिग जैक ले लिया, ओके जनरेट। ये सर आ गया है ना, और यहां से जाते हैं और इसमें भी देख लेते हैं 3D वेरिफिकेशन में, और प्ले, और फिर वही गलती मैंने करी है, इसका स्टॉक जो है वो 0.2 का रखना था, है ना, अभी भी ये 1 का ही है, जो डिफॉल्ट आता है वो 1 आ रहा है, तो वही 1 ही इसने अभी भी लिया है। तो इसको कम कर देते हैं, मटेरियल बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, 1 mm वाला, इसके अंदर जाते हैं और यहां से हम इसे 0.2 कर देते हैं, ओके, और जनरेट, बस जनरेट कर लेते हैं, वेरिफिकेशन नहीं देखते। और ओके ठीक है, अभी रोटरी ज्योमेट्री मेरी ऊपर है और वेरिएबल कंट्रोल मेरा नीचे है, दोनों का ऑर्डर थोड़ा अलग हो रहा है, तो अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं रोटरी ज्योमेट्री को, तो यहाँ से जाता हूँ मैं, और यहाँ से हमारे पास है मेल रोटरी, मेल रोटरी यूज़ करेंगे, एक ही ऑपरेशन है वो भी है रोटरी फ्लोर, तो रोटरी फ्लोर के लिए फिनिशिंग के लिए काम करेगा ये, फिनिशिंग का ही ऑपरेशन है, रफिंग का नहीं है, फिनिशिंग का है ये। इसमें जाते हैं और ये काम नहीं करेगा मिलिंग का टूल, बॉल मिल ही लेना पड़ेगा, 4 या 10 जो है इनमें से कोई एक ले लेते हैं, तो 8 वाला मैंने ले लिया। अब ज्योमेट्री वर्कपीस नहीं है, वर्क ज्योमेट्री है मेरी रोटरी ज्योमेट्री 1_2 ये वाली, और फिनिश करना चाहते हैं, ओके। और ये सिलेक्शन, अब ये सिलेक्शन यहाँ पे इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्शन पहले करा नहीं है, तो हम इसे करते हैं ओके, और ये जो है इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो रोटरी ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है फ्लोर और वॉल, फ्लोर कौन सी फ्लोर काटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये कटिंग होना चाहिए, और इसके अंदर मल्टीपल नहीं आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि ऐड करने के लिए और नहीं है, अंदर वाले को मैं नहीं काट सकता हूँ, सिर्फ बाहर वाले को, एक को काट सकता हूँ, या अंदर वाला या बाहर वाला, ओके किया। फिर वॉल, वॉल आप सिलेक्ट कर दीजिए कौन सी वॉल है, ये लिया और एक ये, तो वॉल एक ही हो गई, ऐड वॉल में आप मल्टीपल ले सकते हैं, एक वॉल ये भी है, तो इस वॉल को भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके वॉल सिलेक्ट हो गई है, पार्ट का एक्सेस जेड, जेड के अबाउट ही रोटेट होना है पार्ट को, तो जेड यहाँ पे आ रहा है, ओके। अब जब इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ अब आ गया, और फिनिशिंग का ऑपरेशन है, और बस आप जनरेट क्लिक करिए, ये सर आ गया। अब अगर मैं इसे ओके करता हूँ तो क्या होगा, इस वर्कपीस को भूल जाते हैं, ये वाला वर्कपीस हमारा, पहले ये वाला काम होगा फिनिशिंग, रफिंग होगा बाद में, तो ये तो गलत हो रहा है, तो रफिंग पहले होना चाहिए था, फिनिशिंग बाद में होना चाहिए था, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो वेरिएबल कंट्रोल मेरा पहले होगा रफिंग, और ये वाला मेरा बाद में होगा। अब अगर चेक करेंगे तो ठीक है सर, रफिंग के बाद फिनिशिंग का ऑपरेशन, बीच में नहीं जा रहा है, सिर्फ बाहर बाहर ही चल रहा है, वो क्यों वॉल सिलेक्ट किए थे, वॉल सिलेक्ट करी थी तो वॉल को स्किप करेगा ना सर, इसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ कैविटी या एम्बॉस बना हुआ है, तो जब इस वाली वॉल के पास आएगा ना तो देखिए अपने आप स्किप करेगा इसको, वॉल का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई कैविटी या एम्बॉस हुआ हुआ है, उसके लिए ये वॉल को डिफाइन करते हैं।
अब इसके बाद ये बीच वाला, बीच वाले पे भी मैं सेम यही ऑपरेशन दोबारा से लगा सकता हूँ। ओके तो ये तो हमारा हो गया, इसे करा हमने ओके। और इस वाले के लिए और वॉल के लिए, दोनों के लिए हमें ऑपरेशन चाहिए होगा, तो ये ओके हो गया। अब इसके लिए अगर दोबारा से करना है तो हमें एक नई ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली। तो आप क्रिएट ज्योमेट्री में जाएंगे और ये वाली हमारी एक ज्योमेट्री है जो कि आएगी वर्कपीस 2 के अंडर में, वर्कपीस 2 के अंडर में आनी चाहिए ओके। और यहाँ से कटिंग में ऐसे करना चाहता हूँ, और वॉल मेरी कौन सी है? ये वाली मेरी वॉल है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये वॉल है ओके। ओके जेड हमारा ठीक है। और इसके बाद हमें लेना है ऑपरेशन, ठीक ठीक ठीक, बस सिलेक्शन करना है और यहाँ पे चेंज करना है ज्योमेट्री 2, ज्योमेट्री 2 और फिनिश। तो बस यहाँ से सिलेक्ट करने से वो अपने आप ले लेगा कि कटिंग कौन सी चीज़ हो रही है, ये वाली कटिंग करनी है और जनरेट। जिगजैग ले रखा है, डायरेक्शन अराउंड एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग घूमेगा, अराउंड जो है उसके चारों तक घूमेगा। स्टार्टिंग डिफाइन कर सकते हैं और ये स्क्रूप हाइट यहाँ पे दे रखी है, तभी फिनिशिंग आ रही है और जनरेट। अच्छा, लिफ्ट विद नो गेज चेक बिकॉज ट्रैक कुड नॉट बी मेड सेफली ओके। तो हो रहा है लेकिन जो रिट्रैक्ट है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो नॉन कटिंग में जाते हैं। नॉन कटिंग में रैपिड एंड अवॉइडेंस के अंदर यहाँ से बाउंडिंग सिलेंडर लेता हूँ, 3 की जगह मैं कुछ 5 या 10 कर देता हूँ ओके। और ये वाला अब रिट्रैक्ट कहाँ तक होगा? इस येलो वाले सर्किल तक ओके। और चलिए, ये कई बार आता है इंटरनल एरर, मेमोरी एक्सेस वायलेशन, तो आप कोई बात नहीं ओके करके दोबारा से करेंगे। अच्छा चलिए, एक बार देखते हैं कि क्या ऐसा कॉलिजन हो रहा है, लग तो रहा नहीं है कि 10 तक आ गया ये, है ना, पहले नहीं था अब 10 पे आ गया। तो एक बार इसमें देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर, ये गोल सर्कुलर में ही घूम रहा है टूल, सर्कुलर में ही, यहाँ से आप देखेंगे तो गोल ही चल रहा है। और फिर स्टॉप करके यहाँ से देखेंगे तो ये कंप्यूट कर रहा है IPW। ये आ गया सर, स्पीड फास्ट होने की वजह से। अच्छा, अब इसके अंदर कॉर्नर्स जो बचे हुए हैं, इन कॉर्नर को कट करने के लिए मैं जो 3 एक्सिस वाला ऑपरेशन था वो भी लगा सकता हूँ, या वेरिएबल एक्सिस भी है मेरे पास, वेरिएबल मल्टी एक्सिस में भी ऑपरेशन है, मैं दोनों लगा सकता हूँ। तो मैं आपको एक में वेरिएबल बता देता हूँ और एक में 3 एक्सिस वाला बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक एंड मिल का टूल ले लेता हूँ, ये मिल है और ये 4 का, एक बार देखें कौन सा है 4, ये टूल हमारा ठीक है, शार्पी है, तो ये वाला ही एंड मिल में रख लेता हूँ, 4 वाले को ही यूज़ करेंगे, मिल 4। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़ करते हैं 3 एक्सिस वाला ऑपरेशन। तो यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से लेंगे आप मिल कंटूर, और मिल कंटूर में हमारे पास है ये रहा सॉलिड प्रोफाइल 3D। तो इसमें क्या करते थे, वॉल को सिलेक्ट करते थे और टूल उस वॉल के बॉटम का जो प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट करता था। तो मिल 4 और यहाँ से वर्कपीस 2 ही है हमारा, वर्कपीस 2 ही है और फिनिश ओके। और यहाँ से हमें सिलेक्शन करना होता है, ये आ गया ओके। और टूल की डायरेक्शन जेड, सॉरी वाई पॉजिटिव, तो टूल तो ठीक है हमारा,
टूल की डायरेक्शन जेड नहीं डायनेमिक या वेक्टर से ले लीजिए आप, और वेक्टर में है वाई पॉजिटिव इधर इधर डायरेक्शन, और बॉटम पे फॉलो करेगा और जनरेट। और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है, ये देखिए आप यहाँ से नहीं, ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आना था, ये ऊपर आ रहा ना, तो इसके कारण वैसे डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहें तो देखिए टूल सर यहाँ पे है ना, तो टूल इधर से आएगा इसके अंदर घुस जाएगा, तो ये गड़बड़ है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन को, और फिर जनरेट करेंगे तो टूल इधर से आएगा और बॉटम पे टच करता हुआ काटता हुआ जाएगा ये, और फिर यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, 2D में ही रख लेता हूँ है ना, प्ले हो जाएगा ओके। और इसके वही वाले ऑप्शंस हैं जैसे हमने पहले किए थे, सब वही मल्टीपास मल्टी साइड दोनों में ले सकते हैं, अगर साइड में लगता है कि मटेरियल में कोई याद रखना है या कट करना है तो आप यहाँ से इंक्रीमेंट में वैल्यू डाल के ले सकते हैं, ये हमने किया है। अच्छा ये वाला ऑपरेशन तो है हमारा 3 एक्सिस के लिए जो हम यूज़ करते थे, वही वाला हमने यहाँ से डिफाइन करके ले लिया। अब माना इसके लिए मुझे चाहिए टूल वही रखते हैं, टूल वही रखते हैं हमारा 4 वाला, लेकिन अब जो ऑपरेशन करेंगे वो मल्टी एक्सिस में भी मैंने आपको बताया था, तो वही वाला लेते हैं मल्टी एक्सिस के अंदर कंटूर प्रोफाइल, कंटूर प्रोफाइल ये मल्टी एक्सिस में काम करेगा, मल्टी एक्सिस के लिए ले लेते हैं, ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है सब कुछ ठीक है, वर्क पीस और फिनिशिंग लेनी है ओके। अब यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट करनी होती है, तो फ्लोर मेरी ये है, तो वॉल ये डिटेक्ट कर लेगा, देखिए वॉल ये है, और डायरेक्शन भी आपको शो कर रहा है कि टूल किस तरीके से घूमता हो जाएगा, फॉलो वॉल बॉटम, वॉल बॉटम ले लिया यहाँ से और जनरेट। इसके अंदर टूल ऑटोमेटिकली डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेगा, ऑटोमेटिकली ले लिया, इसलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ता इसके अंदर एक्सिस को। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको रिप्ले में ओके। और पैरामीटर में जाके मल्टीपास सर आपको यहाँ पे भी मिलेगा, मैंने आपको बताया था प्लानर में भी हमारे पास था प्रोफाइल का, प्लानर प्रोफाइल, फिर इसके अंदर भी प्रोफाइल था जो कि जेड एक्सिस से ले लिया, और प्लानर की और प्रोफाइलिंग का और भी ऑप्शन था ओके। यहाँ से जब जाते हैं तो इसके अंदर ये तो है ही, आप इससे प्रोफाइलिंग कर ही सकते हैं, यहाँ पे भी है हमारे पास, इनसे भी हम यूज़ कर लेते हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इन दोनों को भी यूज़ करते हैं, तो ये भी प्रोफाइलिंग की तरह ही है, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही मल्टी एक्सिस में जब आएंगे तो मल्टी एक्सिस के अंदर ये वाला है जो वॉल को क्लीन करने के लिए हम लोग प्रोफाइलिंग यूज़ करते हैं, तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा इस पर आ गया है अलग अलग ऑपरेशन, पहले ये करा हमने रफिंग के लिए, फिर ये ले लिया हमने 4th एक्सिस का, उसके अलॉन्ग आ गया, और ये ऐसा जा रहा है तो नॉन कटिंग में हम चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी ज्योमेट्री जो है ट्रांसपेरेंट रैपिड में जाके आप बाउंडिंग सिलेंडर ले लेना और जनरेट। तो अब जो इसका कटिंग आएगा नॉन कटिंग मूव वो सिलेंड्रिकल में ही आएगा, तो ये हमारा अब देखेंगे आप सिलेंड्रिकल में आ रहा है, गोल ही आएगा नीचे आएगा फिर गोल ही आएगा पर चलेगा राउंड में ही सर्किल के अबाउट। तो ये है सर रोटरी फ्लोर ओके।